नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यार। खुद ट्रिग्नोमेट्री से और हाइट एंड डिस्टेंस को मिलाकर के तीन चार क्वेश्चन IMUCT में आ जाते हैं, प्लस ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन बन जाते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन बन जाते हैं, कॉन्टीन्यूटी के क्वेश्चन बन जाते हैं, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो फिलहाल जो हम देखने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो फिर से वही बात है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम बिल्कुल बेसिक से नहीं जाएंगे कि क्या ट्राइगोन होता है और क्या मेट्रोन होता है, या किस लैंग्वेज से लिए गए हैं, एंगल क्या होता है, ब्रिटिश सिस्टम और इंडियन सिस्टम क्या होता है। इस पूरी स्टोरी को कट शॉर्ट करके हम डायरेक्टली पहुँचते हैं यहाँ, जहाँ पे हम बोलते हैं कि 360 डिग्री जो है, अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ये 2 पाई रेडियन के इक्वल आता है। तो यहां से अगर कभी हमें थीटा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, या थीटा रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। और इसके लिए क्या है कि कुछ चीज़ें पहले से ही रट्टा मार लो, जैसे 30 डिग्री पाई बाय 6, 45 डिग्री पाई बाय 4, ये सारी चीज़ें यहीं से ही आ रही हैं। इनका एकदम भयंकर रूप से रट्टा मार लिया जाए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, लगभग सभी लोगों को ये पता ही होगा कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा क्या होते हैं, लाइक पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, और इनके रेसिप्रोकल क्या होते हैं। तो मैं इनके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इतना ज्ञान तो होगा, लेकिन इनके कुछ वैल्यूज़ जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए, जो कई बार क्लास के बच्चे भूल जाते हैं, वो ये हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के वैल्यू याद रख लो। कुछ जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 98 वैल्यूज़ याद रख लो, इनके रेसिप्रोकल तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे। तो इनकी वैल्यू क्या होती है, साइन 0 का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, 45 का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1। तो जब हम इनको उल्टा करेंगे तो ये दूसरे वैल्यू कॉस के लिए आ जाते हैं, यहाँ 1 से स्टार्ट होकर के 0 तक जाता है। और इनका रेशियो निकालोगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जब हम इनका रेशियो निकालते हैं तो रेशियो निकालने के बाद, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो रेशियो निकालने के बाद टेन थीटा का वैल्यू भी आ जाता है, बाकी सारे इसके रेसिप्रोकल हैं। तो अब इसमें भी घुसने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, वैल्यूज़ याद रख लेना। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर हम फटाफट फटाफट चलेंगे। देखो यार, ट्रिगो जो है ना, फॉर्मूले से भरा पड़ा है, हर एक फॉर्मूले का अपना डेरिवेशन है, उतना अपने पास टाइम नहीं है। तो हमें ये याद रखना है फॉर्मूले कौन से हमें एकदम याद होने ही चाहिए, बल्कि मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ट्रिगो के सारे ही फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। जितने भी क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए, ये क्वेश्चन तुम घर पर भी ट्राई कर सकते हो, करना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब ट्राई करोगे तभी प्रैक्टिस बढ़िया होगी। तो अब जैसे देखो, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहली आइडेंटिटी है ये, ठीक है। यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा को इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1, या कभी कभी सेक थीटा प्लस टेन थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मतलब कॉन्जुगेट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है वो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और ऐसे ही हम कॉसेक थीटा और कॉट थीटा में भी रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो बहुत यूज़ किए जाते हैं, और इनके ऊपर एकदम बढ़िया धांसू से क्वेश्चन बनते हैं, जो नीचे मैंने लिखे हुए हैं, करवाए भी हैं क्लास में, अलग अलग तरीके की ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी करवाई है। तो फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ इस पर कि कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एक ये जो चीज़ आती है ना, ये कहानी में लोगों को बड़ा डर लगता है। फिलहाल एक्सप्लेन करने का तो टाइम अपने पास नहीं है, मैं बस इतना सजेस्ट कर सकता हूँ कि इसको रटो अच्छी तरीके से। रटने का तरीका आसान है वैसे, एक तो हम लोग ये याद रखते हैं ASTC, ऑल सिल्वर टी कप्स, सिल्वर टी कप्स, या आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, पता नहीं कितने तरीके याद रखने के। मैं याद रखता था ऑल, एस के लिए साइन एंड कॉसेक, टी के लिए टैन एंड कॉट, एंड सी के लिए कॉस और सेक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड वाले में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो मैं तो जब सॉल्व करता था तो मैं बढ़िया अपने हाथ फैला लेता था इस तरीके से, एक को मैं बोलता था पॉजिटिव एक्स, दूसरे को बोलता था नेगेटिव एक्स, ऊपर वाला पॉजिटिव वाई, नीचे वाला नेगेटिव वाई, ऐसे करके। तो हम लोग ऐसा करके सॉल्व कर लेते थे कि वो एंगल कहाँ पे। यहाँ पे तो देखो, सीधी सी बात है कि अगर आप प्लस थीटा की बात कर रहे होगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और माइनस थीटा की बात करोगे तो फोर्थ में जाएगा। तो साइन प्लस माइनस थीटा जो होता है वो प्लस माइनस साइन थीटा,
ऐसे ही कॉस प्लस माइनस थीटा केवल कॉस थीटा आ जाता है, क्यों? क्योंकि कॉस जो फर्स्ट में भी पॉजिटिव है और फोर्थ में भी कॉस पॉजिटिव है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। और टैन जो होगा वो फर्स्ट में पॉजिटिव लेकिन फोर्थ में नेगेटिव। तो बस ये सिंपल सा फंडा याद रखना है। अब जो ये जो एक्सिस दिख रही है ना, इसको तुम बोलो 0 डिग्री, इसको बोलो तुम 360 डिग्री, इसको बोलो 2 पाई, इसको मतलब एक चक्कर लगाने के बाद यहीं पे आ गए हो, तो अब 2 चक्कर लगाओगे तो भी यहीं आओगे, 720 बना लोगे या 4 पाई बना लोगे तो भी यहीं आओगे। तो जनरलाइज अगर हम करें, अगर हम 2n पाई करके लिख दें इसको, जैसे मैंने 2π± थीटा लिखा है, आप 2n पाई करके भी लिख दोगे तो भी जो ऊपर वाली कंडीशन है ये उसको वही फॉलो कर रहा है, क्योंकि 2n पाई + थीटा फर्स्ट में जाएगा और 2n पाई - थीटा फोर्थ में जाएगा। इसी तरीके से π± थीटा करोगे तो π+ जो होगा वो थर्ड में जाएगा और π- जो होगा वो सेकेंड में जाएगा। तो जब हम π± थीटा के लिए करते हैं तो ये कंडीशन आती है, और ऐसे ही हमारे पास एक केस 4 आ जाता है, जहाँ पे हम लोग मतलब केस 4 और केस 5 भी मैंने नीचे लिखे हुए हैं। जैसे ये केस 5 लिखा हुआ है, ये 3π/2± थीटा के लिए लिखा हुआ है, और ऊपर केस 4 लिखा होगा π/2± थीटा या 90° + -θ। तो आप सबको ये वाले फॉर्मूले, अलाइड एंगल वाले फॉर्मूले रटे होने चाहिए, बिल्कुल अपने नाम की तरह रटे होने चाहिए, ठीक है? तो ये अपने पास अलाइड, और ऐसे क्वेश्चन देख रहे हो, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है, दो दो लाइन के, ये सारे के सारे क्वेश्चन अलाइड एंगल फॉर्मूले पे पूछे जा सकते हैं। अगर आपको इलाबोरेटेड वीडियो चाहिए होगा तो मैंने वो इलाबोरेटेड वीडियो पहले से भी डाला हुआ था, तो आप उसको भी देख सकते हो। और इन्हीं के बेसिस पर मैंने यहाँ बीच में हाइट एंड डिस्टेंस एक्सप्लेन कर दिया है। तो हाइट एंड डिस्टेंस समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, और ये लाइन ऑफ साइट दिखाई पड़ रहा है जिसके थ्रू आप देख रहे हो। तो ये जो ऊपर की तरफ देखा जाता है तो हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन है, और जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो, यहाँ देख रहे होते हो, तो ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है? तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हमने क्लास में करे हुए थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन करे थे, बट क्वेश्चन कराने का टाइम नहीं है अभी अपने पास, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले पे पढ़ने का टाइम है और बहुत ज़रूरी है। ये सारे फॉर्मूले यार ट्रिगो के, मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसे ही कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी के फॉर्मूले हैं। फिर टेन ऑफ ए प्लस बी और टेन ऑफ ए माइनस बी के फॉर्मूले, इस सब फॉर्मूले तुम्हें रटने हैं, डेरिवेशन का कोई फंडा ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये है कि जैसे आप यहाँ पे ए प्लस बी था, ए की जगह पर 45 और बी की जगह पर थीटा रख दोगे तो टैन 45 + θ इज 1 + tan θ / 1 - tan θ। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे ए की जगह 45 और बी की जगह पर थीटा रखोगे तो टैन 45 अपना वैल्यू क्या ले लेगा? 1 ले लेगा। और अगर हम इस टैन को साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करें तो जो दूसरा फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है। डिफ्रेंसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही धांसू फॉर्मूला है, बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया रहता है, कॉस ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए के फॉर्म में, और उससे डायरेक्टली टेन 45 + a बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी जो रिसेंटली देखे हैं वो देखे हैं मैंने TMI सेट में। ऐसे ही टेन 45 - a का फॉर्मूला बना सकते हो। अगर आप टेन 45 + a और टेन 45 - a दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। ऊपर वाले जो दो फॉर्मूले थे, मतलब ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन रहा है यार ये, याद रखना, कभी कभी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। मल्टीप्लाई करूँ तो बनता है sin²a - sin²b, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं cos²b - cos²a। और अगर हम कॉस वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है cos²a - sin²b, या फिर cos²b - sin²a, इस तरीके के फॉर्मूले बन जाते हैं। और इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं ना, जैसे मैंने बोला ना cos²a - sin²b, जस्ट ऊपर पड़ा है कि cos²b - sin²a क्या होता है, ये होता है cos a + b cos a - b, वो फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करो, या यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई करो, सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। या फिर जैसे मैंने अभी बताया था कि cos a + sin a / cos a - sin a, देखो ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ हो गया, cos θ + sin θ / cos θ - sin θ, तो ये tan 45 + θ बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है सीधे सीधे हमसे बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें ये क्वेश्चन पता होने चाहिए। देन आता है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, बड़ा ही आसान सा फार्मूला है, डेरिवेशन बहुत आराम से हो जाता है। अगर आप साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को एक्सपैंड करके ऐड कर दोगे तो क्या फार्मूला बन के आता है? फार्मूला बन के आता है हमारे पास 2 sin a cos b, क्या बनता है? 2 sin a cos b। फॉर्मूला क्या होता है इसका? sin a + b + sin a - b। 2 cos a sin b होगा तो sin a + b - sin a - b, 2 cos a cos b होगा तो cos a + b + cos a - b, और 2 sin a sin b होगा तो cos a - b - cos a + b। ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा सा दिखाई पड़ रहा है, बाकी सब में प्लस प्लस वाले टर्म पहले थे, यहाँ पे माइनस वाला टर्म पहले है,
इस चीज़ को याद रखना यार, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और कुछ का कुछ लिख के आ जाते हैं। अब इन्हीं फॉर्मूलों में जो भी ऊपर लिखे हुए जितने भी फॉर्मूले लिखे, अगर मैं ए प्लस बी को सी और ए माइनस बी को डी डालूंगा और ऐड करने के बाद ए की जगह पर सी प्लस डी बाई टू और बी की जगह पर सी माइनस डी डालूंगा, तो ये नीचे वाले चारों आ जाते हैं। ये बन जाता है साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये दिख रहा होगा। तो ये ऊपर वाले ही फॉर्मूले हैं जो नीचे दूसरे फॉर्म में लिख दिए गए हैं। इस्तेमाल कब होता है? जब प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में जाना हो, कहाँ जाना हो, सम या फिर डिफरेंस में, तो ऊपर वाले फॉर्मूले यूज़ होते हैं। जब सम या फिर डिफरेंस से प्रोडक्ट के फॉर्म में जाना हो तो कौन से फॉर्मूले यूज़ होते हैं? नीचे वाले यूज़ होते हैं। तो इनके ऊपर भी कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, तो फुल लेंथ क्लासरूम में मैंने करवाए भी थे सारे, टाइम दे दे करके। जब बड़ा क्लासरूम, फुल लेंथ क्लासरूम चलता है, 1 साल का क्लासरूम चलता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, बहुत आराम आराम से काम करते हैं, सबको टाइम मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है, आराम से। लेकिन जब टाइम कम होता है तो हमें ऐसे फटाफट फटाफट भागना पड़ता है। तो अब देखो मल्टीपल एंगल फार्मूला, भाई बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, एंड इवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी इसकी बहुत वैल्यू है। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, या इसी को हम 2 tan a अपॉन 1 plus tan square a भी लिखते हैं। अब प्रूफ भी मैंने किया है लेकिन अभी नहीं बताने वाला, तुम अपने तरफ से देखना चाहो तो देख लेना। कॉस 2a के चार फॉर्मूले, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है कॉस 2a के चार फॉर्मूले? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लोगे तो 1 minus 2 sin square a, या साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लोगे तो 2 cos square a minus 1, या यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करोगे तो 1 minus 10 square a अपॉन 1 plus 10 square a। ये चार फॉर्मूले चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे देखो एक चीज़ बन रही है, डिग्री रिडक्शन। ये डिग्री रिडक्शन जो फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, इसकी अपने आप में ही एक अलग ही वैल्यू है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। डिग्री रिडक्शन का मतलब यहाँ 2 डिग्री का टर्म था जिसको मैंने 1 डिग्री के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। बस किया कैसे होगा, मैंने इसको और इस फॉर्मूले को कंपेयर किया, यहाँ से साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकाला तो क्या आ जाता है, 1 minus cos 2 upon 2। अब 2 डिग्री का टर्म 1 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ऐसे अगर कॉस स्क्वायर ए वाला निकालना होगा तो वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। वैसे अगर हमें कॉस स्क्वायर ए वाला टर्म निकालना होगा तो वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट इज 1 plus cos 2 upon 2। कहाँ क्या 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 कंपेयर करेंगे, कॉस 2 ए को इसके साथ कंपेयर करेंगे, और अगर इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो 10 square a वाला टर्म भी आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा, 1 minus cos 2 upon 1 plus cos 2 a। तो ये आपके पास तीसरा। तो ये जो फॉर्मूले मैंने अभी बताए, इनकी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, ये बहुत यूज़ होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इन पर। फिर टैन 2a का फॉर्मूला आता है, दैट इज 2 tan a अपॉन 1 minus tan square, ये भी डेरिवेशन सिंपल है। फिर साइन 3 और कॉस 3a के फॉर्मूले हैं, इंटीग्रेशन में काफ़ी यूज़ होता है, साइन क्यूब ए का इंटीग्रेशन इसी तरीके से किया जाता है। तो साइन 3a क्या होता है, 3 sin a minus 4 sin cube a। वैसे देखा जाए तो ये भी एक तरीके का डिग्री रिडक्शन ही है, क्योंकि आप क्यूबिक को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, 1 डिग्री में, तो यहाँ पे भी डिग्री रिडक्शन हो रहा है। साइन क्यूब जो 3 डिग्री था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 डिग्री में। तो साइन क्यूब ए कैन बी रिटन एज 3 sin a minus 4 sin 3 upon 4। ऐसे ही कॉस 3a का फॉर्मूला होता है, 4 cos cube a minus 3 cos a, तो यहाँ से भी डिग्री रिडक्शन करके हम बना सकते हैं। एक फॉर्मूला और होता है टेन 3a का, दैट इज 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square a। अब इसके अलावा क्या होता है यार, तीन, वैसे तो देखा जाए तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़े ही घमासान क्वेश्चन बनते हैं ये तीन, लेकिन इनको आप डायरेक्टली याद रख लो, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या है, sin θ sin 60 minus θ sin 60 plus θ is 1 by 4 sin 3 θ, cos θ cos 60 minus θ cos 60 plus θ is 1 by 4 cos 3 θ। ऐसे tan θ tan 60 minus θ tan 60 plus θ में 1 by 4 नहीं आता है, सिर्फ tan 3 θ आता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले दोनों को डिवाइड करके देख लो, थर्ड आ जाता है। तो इनका डेरिवेशन है, बढ़िया डेरिवेशन है, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली यूज होते हैं। जैसे यहाँ ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जरा तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करके देखना, फर्स्ट वाला, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि 1 plus minus sin 2a को हम लोग cos a plus sin a या cos a minus sin a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वो आसान है यार, इसको तुम चाहो तो एक्सपैंड करके देख लो, फटाफट आ जाता है आंसर। लेकिन ये बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला है, क्वेश्चन में बहुत बार यूज होता है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले यार जितने बता रहा हूँ, चाहो तो लिख लिख करके दो दो बार लिख लेना, तीन तीन बार लिखना, लिख करके याद करना, लिख करके याद करोगे तो मज़ा आएगा।
अब आता है प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। ये फॉर्मूला आपके केस में आने के चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी देख लो, कॉस थीटा कॉस टू थीटा कॉस टू स्क्वायर थीटा से लेकर के जब ये कॉस टू पावर एन थीटा तक जा रहा होगा तो इसकी वैल्यू आती है साइन टू पावर एन प्लस वन थीटा अपॉन टू पावर एन प्लस वन साइन थीटा। ये वैल्यू हमेशा याद रखना, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टू थीटा से स्टार्ट नहीं हो रहा है, थीटा से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, टू पावर एन थीटा तक जा रहा है। तो फाइनल आंसर में क्या रहा, साइन टू पावर एन प्लस वन थीटा अपॉन टू पावर एन प्लस वन, मतलब यहाँ पे जहाँ तक जाएगा इधर एन प्लस वन हो जाएगा, पावर उसमें एक ऐड कर दिया जाएगा, ऐसा हो रहा होगा। ऐसे ही जैसे और डिराइव भी किया हुआ है एग्जाम्पल में, मैंने डिराइव कर करके भी बताया, नीचे वाले एग्जाम्पल में मैंने डिराइव करके बताया इन चीज़ों को, तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। और इसमें अलाइड एंगल वाले क्वेश्चंस का काफ़ी बढ़िया रोल रहता है, वैसे IMUCT में आने के चांसेस इसके कम है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद रहेगा तो ये बेटर है। तो यहाँ तक मैंने क्विक रिविजन करवा दिया, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इसमें। ग्राफ वैसे तो आने ही चाहिए यार, जितने अच्छी तरीके से आते होंगे उतना बढ़िया होगा ग्राफ। अब मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो बहुत टाइम जाएगा, तो मैं बोलूँगा कि ये जो ग्राफ बने हुए हैं ये ग्राफ एज इट इज़ याद कर लो, क्योंकि पिछली बार पिछले साल के एक पेपर में उन्होंने डायरेक्टली ऐसा पूछ लिया था कि y इक्वल टू साइन मॉड x है, तो ये वाला जो ग्राफ होता है क्या ये डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू जीरो पे या नहीं है। तो अगर आपको साइन x का ग्राफ पता होगा तो साइन मॉड x का भी बना लोगे, और नहीं पता होगा तो फिर ज़िंदगी दे मजे करो, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ पता होगा तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे मैंने कॉस एक्स टैन एक्स इन सब के ग्राफ, जब वही मैं बोल रहा हूँ कि जब फुल लेंथ क्लासरूम प्रोग्राम होता है फुल ईयर, तो ये मैं बनवाता हूँ एक एक करके सबसे, एक दो मैं खुद बनाता हूँ, चार पांच आपसे बनवाता हूँ, और ग्राफ के क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बट फिलहाल हमें ये सब रट्टा मारना है। फंक्शन एंड रेंज के भी क्वेश्चन होते हैं, तो फंक्शन एंड रेंज के क्वेश्चन कैसे होते हैं कि भाई साइन एक्स और कॉस एक्स जो है इसकी रेंज माइनस वन से प्लस वन होती है, इनकी वैल्यू जो होती है वो माइनस वन से प्लस वन तक आती है, ITF में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। और ऐसे ही टैन एक्स और कॉट एक्स की जो रेंज होती है वो रियल नंबर आती है, कॉसेक एक्स और सेक एक्स की जो रेंज होती है वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी जाती है। फिर अगर इनके स्क्वायर कर लें साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये जीरो टू वन, स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। टैन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स का करोगे तो जीरो टू इन्फिनिटी, एंड कॉस स्क्वायर एक्स एंड सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो यहाँ भी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव करोगे तो स्क्वायर करके तो क्या जाएगा, वन टू इन्फिनिटी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसके अलावा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो कई जगह पर यूज होता है, जिसके ऊपर मैंने 3 स्टार लगा रखे हैं, क्या है वो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा या ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो ये होती है इसकी मिनिमम और ये होती है इसकी मैक्सिमम, यानी कि रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज मैक्सिमम एंड माइनस टाइम्स रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज मिनिमम। डेरिवेशन मैंने नीचे किया हुआ है, लेकिन डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बस इसका एक क्वेश्चन समझ लो। यहाँ पे जैसे ये है 3 sin x + 4 cos x, तो यहाँ पे ए क्या दिख रहा है ये और बी क्या दिख रहा है ये, तो मैक्सिमम पूछेगा तो आ जाएगी 5 और मिनिमम पूछेगा तो आ जाएगी -5, क्योंकि रूट ओवर 3 square + 4 square करोगे तो वो आ रहा होगा 5। थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ यार, आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि टाइम अपने पास कम है, रिवाइज बहुत ज़्यादा करना है। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे थे जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिलहाल मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड रेशियोज़ को यहाँ तक रोक रहा हूँ। आप क्या करोगे, आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करो, जितने फॉर्मूले बताएं इनको लिख डालो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, हार मत मानना, लिखते ही रहना, ठीक है, जब तक कि ये तुम्हें रट नहीं जाते, क्योंकि तीन मतलब यहाँ से 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। इसको यूज़ करके डेफिनेट इंटीग्रेशन या डिफ्रेंसिएशन मिला करके भी 2-3 क्वेश्चन और आ जाएंगे, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया भी होगा ये। ओके गाइस।